नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब से दो तीन दिन पहले आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दलित बस्ती में उस बस्ती में आग लगाकर उस वहाँ के मकानों को फूंक दिया, वहाँ के दलित भाइयों के साथ अत्याचार किया जो हमारे दलित हिंदू भाई हैं। खबर तो बहुत ही बुरी है, लेकिन इस खबर को जो इस देश के वामपंथी लकड़बग्घे JNU छाप और जो जिसे कहते हैं देशद्रोही किस्म का जो मीडिया है, हम चाहे बात कर रहे हैं चाहे स्क्रॉल की या द वायर की, द क्विंट की, इस तरीके के समाचार पत्रों ने, ऐसी वेबसाइट्स ने इस तरीके से न्यूज़ छापी कि जैसे कि उन दलित भाइयों पर अत्याचार किसी हिंदू समाज के ही लोगों ने किया हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि इसमें नमाजवादी पार्टी का एक नेता जिसका नाम है जावेद सिद्दीकी बताया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यानी पहले जो पंचा लगाने वाला समाज है, टोपी पहनने वाले जालीदार टोपी पहनने वाला समाज, पहले क्या करता है, हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार करता है, और उसके बाद उनके समर्थक में बोलने वाला जो मीडिया है वो इस तरीके से खबर को घुमाता है कि लोगों को लगे कि दलितों पर अत्याचार दरअसल हिंदू कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम गुजरात में, अभी हाल ही में वो एक केस पिछले साल की बात है, एक दलित युवक को इलाके के कुछ मुसलमान लोगों ने जिंदा जला दिया, लेकिन उस मामले में भी पहले जो वामपंथी मीडिया, उन्होंने इस तरीके से नहीं दिखाया, उन्होंने बस ये बताया कि दलित युवक को जिंदा जलाया। तो इससे क्या मैसेज जाता है, ये एक रॉन्ग नैरेटिव, एक गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं जो कि इस देश के लिए, इस देश में हिंदुओं की एकता के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इनको एक्सपोज किया जाना बेहद ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो आपको बता देते हैं फिलहाल इस जौनपुर वाले मामले के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कमेंट में वामपंथी मीडिया मुर्दाबाद ज़रूर लिखें। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, आपको कमेंट में वामपंथी मीडिया मुर्दाबाद ज़रूर लिखना है। दोस्तों देखता हूँ आज कौन इस देश में सबसे बड़े भक्त हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमेंट यहाँ पर लिखते हैं, और अपनी राय इस वीडियो के बारे में और इस मुद्दे के बारे में ज़रूर बताइए हमको। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में भदेठी गांव में 9 जून को मुसलमानों ने दलित बस्ती पर हमला करके उनके घरों को फूंक दिया था। इस घटना का मास्टरमाइंड सपा नेता जावेद सिद्दीकी बताया जाता है, जो कि गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित दलितों की जुबानी इस घटना का खौफनाक ब्यौरा भी इस समय सामने आ रहा है। इस कड़ी में मीडिया से बात करती दलित पीड़िता पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। पूजा ये बताती है कि हम लोग घर के अंदर थे, जब मार होने लगी हम लोग और अंदर चले गए, जब अंदर चले गए तो सब लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, ईंट पत्थर से मारने लगे, बाहर गोलियां चलने लगीं, लोग गाली गलौज कर रहे थे, गोली चलने लगी, तो हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। डर से जब नहीं निकले तो वो लोग, यानी कौन लोग, जालीदार टोपी वाले, वो लोग चारों तरफ से आग लगा दिए। पूजा ने बताया कि हम लोग अंदर पड़े थे, जब वे लोग आग लगाकर चले गए तब हम लोग किसी रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाकर किसी तरीके से दूसरे गांव में चले गए। रात भर हम लोग दूसरे गांव में थे। उसने बताया कि हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि उन लोगों की संख्या 1500 के आसपास थी, मतलब इतने लोगों ने मिलकर हमला किया, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। पहले लाठी डंडे से मार रहे थे, जब उनसे डर गए तो ईंट पत्थर चलाने लगे, उसके बाद गोली चलने लगी, किसी की गाड़ी लूट लिए, दुकानें थीं, पैसे कौड़ी गहने सब ले लिए, जिसके पास जेवर था उसके जेवर तक ले लिए, सारे सामान ले गए। आपको बता दें कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में मंगलवार 9 जून 2020 को गांव के ही शहबाज नामक लड़के का दलित बस्ती के बच्चों से बकरियां चुराने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों में एक दिन में कहासुनी हो गई थी। रात में मुस्लिम पक्ष के लोगों, सैकड़ों लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से लैस दलित बस्ती पर हमला कर दिया था। इस दौरान आरोपितों ने हवाई फायरिंग, वाहनों में तोड़फोड़ और कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। घटना में एक भैंस और 3 बकरियां जलकर राख हो गईं। वहीं इस सिलेंडर में लगी आग के बाद हुए विस्फोट से भारी नुकसान हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 57 लोगों को नामजद और 100 लोगों को अज्ञात करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने 35 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद CM योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों के खिलाफ NSA यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ये बात वाकई काबिल तारीफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, कि उन्होंने इस केस में सीधा रासुका की कार के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बकौल पूजा, इस समय उन लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम सरकार कर रही है, क्योंकि उनकी बस्ती और उनका सामान, जान माल सब जिसे कहते हैं जल ही चुका है। सरकारी मदद पर उन्होंने संतुष्टि भी जताई है, लेकिन जिस तरीके से जो मतलब बात आती है सामने कि क्या हो क्या रहा है देश के अंदर अभी, मतलब एक बहुत दुख की बात है, ये बहुत गलत हो रहा है।
कि एक तरफ एक अत्याचारी वर्ग के लोग हमारे देश के जो दलित भाई हैं, हमारे दलित भाई बंधु जो हैं हमारे, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और इस देश का दलाल भड़वा मीडिया इस बात को, खबर को प्रचारित भी इस तरीके से करता है, प्रचारित क्या कहें, इसे दुष्प्रचार इस तरीके से करता है कि लोगों को पता ही ना चल पाए कि मामले में असली दोषी कौन है। और ये बात जो है वाकई दिल को खलती है। अगर आप लोगों को भी ये बात खलती है तो मैं सोचता हूँ कि आप क्यों नहीं इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तो कम से कम ये बात जो है, ये मुद्दा है, ये लोगों तक पहुँचेगा तो सही, लोगों को असली मामला, इस मामले की जड़ के पीछे असली बात क्या है वो पता तो चले। या फिर इसी तरीके से हमारे दलित भाइयों पर ऐसे अत्याचार होता रहेगा एक अत्याचारी वर्ग के द्वारा, और वो अत्याचारी वर्ग कौन है, जालीदार टोपी पहनने वाले लोग कौन हैं, और कौन है वो पंचर लगाने वाली जमात के लोग जो इस तरीके से टारगेटेड अटैक हमारे दलित माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेटेड अटैक करते हैं, और उसके बाद उनके सपोर्ट का जो मीडिया है वो ऐसी बातें घुमाता है कि मतलब पता ही नहीं चल पाता। और यही तो हो रहा है, आज़ादी के समय से लेकर अब तक इस देश के अंदर ऐसे किस्म के मीडिया को जो है बिज़नेस क्लास फ्लाइट से सफ़र करने को मिला। आप मानेंगे नहीं, NDTV के पत्रकार और जो बरखदा तो जैसे सरीखे लोगों की बात बताएं, राजदीप सरदेसाई, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्षमा कीजिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उनके साथ उनके विदेशी दौरों पर उनके जेट में जो भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री को जो प्लेन मिलता था उसमें बैठ कर ये पत्रकारों का जो जिसे कहते हैं जमावड़ा, जो इनका झुंड जाता था सुअरों का, ये उनके साथ जाता था झुंड। तो मतलब इस तरीके सरकार के द्वारा जब पोषण होता रहा पिछले 60-70 सालों से ऐसे मीडिया हाउसेस का, तो उन्होंने एक ऐसा भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया। अगर आप बॉलीवुड की भी बात करें तो मदर इंडिया फिल्म की बात करते हैं, नरगिस की, उस फिल्म में क्या दिखाया, उस फिल्म में एक बनिया है जो कि महाजन है, और वो बनिया ब्याज के पैसे के लिए एक औरत की इज्जत पर भी हाथ डालने को तैयार है। कई फिल्मों में दिखाया गया कि एक ठाकुर है, मतलब बल्कि आप कई आप खुद भी जानते होंगे, आपने बचपन से ऐसी ही फिल्में देखी होंगी कि हर फिल्मों में क्षत्रिय को, ठाकुर को बलात्कारी के रूप में दिखाया जाता है, गांव का जमींदार यदि कोई चौधरी है तो वो केवल अत्याचारी ही है, और कोई ब्राह्मण है तो वो कंजूस है, वो झूठा है, उसे एक फ़नी, एक ईडियट, एक बेवकूफ़, मूर्ख किस्म के कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया। यानी जो विद्वान है सनातन धर्म में, जिसको विद्वान माना जाता है ब्राह्मणों को, तो उनको बेवकूफ़ और जिसे कहते हैं कि हास्य का पात्र के रूप में पेश किया जाता है, और क्षत्रिय जिनका काम समाज की रक्षा करना है उनको इस रूप में दिखाया जाता है कि वो औरतों की इज्जत लूटने के लिए बने हैं। बनिया जिसका काम है समाज के अंदर व्यापार करना और उद्योग वगैरह लगाना, उनको इस तरीके का कंजूस दिखाया कि वो चार पैसे के ब्याज के लें, एक औरत की इज्जत भी लूट लें, या कुछ भी गिरी हरकत कर दें। तो इस तरीके से एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया है, नैरेटिव बहुत डेंजरस है, इस नैरेटिव से हमें बहुत बचना है। वो कैसे बचना है, इसके लिए हमें सबसे पहले हम अपने परिवार में अपने बच्चों को हम शिक्षित करें, हम उन्हें बताएं कि ये जो वामपंथी मीडिया है, जिस तरीके की जो भड़वागिरी कर रहा है, इससे हमको बचना है, और इसमें सही और गलत के बीच में जो पहचान करनी है वो हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे हो मैं इधर उधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी सही बताऊँ, देखिए मैं भी समाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है अपने आत्मरक्षा के लिए कोई बहुत बड़े, मेरे पास कोई ऐसा हथियार या कोई मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और मामूली सा आदमी हूँ, सिविल है ना आप लोगों की तरह। तो डर लगता है कहीं आसपास में कोई ऐसा कोई जमाती तो नहीं रह रहा है, कहीं कोई बात तो ना सुन ले, मतलब क्योंकि होता क्या है कि मेरा भी परिवार है, देखना पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे कोई कुछ भी समझे, हम ये काम रोकेंगे नहीं, करते रहेंगे, ये जो ज्ञान की जो मशाल है जलती रहेगी। और जो लोग आज, और आज से नहीं पिछले 1400 साल से इस देश के अंदर, जिन्होंने आतंक का जो पर्याय बन चुका है समाज, उस समाज को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज की यदि बात करें तो उसमें से कुछ गिने चुने लोग, चाहे भी इंडियन आर्मी के सोल्जर थे औरंगज़ेब जी, जिनका कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए जिनका निधन हो गया था और मतलब वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ऐसे महान लोगों के लिए मेरे मन में भी श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि भारत का हर मुसलमान खराब है, लेकिन समस्या ये है कि जो बड़ा वर्ग जो इस तरीके की जिहादी सोच को पोषित करता है कि जो है दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला के उन्हें पटा लो, चाहे तो जो है कोरोना वायरस भी आपने जिस तरीके देखा था तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया,
और आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कई मुसलमान लोग सब्जी पर फलों पर थूक रहे थे। तो जो इस प्रकार की सोच है ना, उससे समस्या है हमको, और वो जायज़ भी है। मतलब मैं किसी को ये अधिकार नहीं दूंगा, और मैं क्या देश के किसी भी समझदार नागरिक को, किसी भी राक्षस को ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो उनके जीवन को हरने का प्रयास करे या उनके समाज के किसी भी व्यक्ति को। मतलब इन बातों पर आप सबसे पहले अपने परिवार को शिक्षित करें। मैं खाली ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, बात सिर्फ इस वीडियो को शेयर करने की नहीं। सबसे पहले आप अपने घर में, अपने घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा समाज बनाएं, आसपास अपने घर में अपने मोहल्ले के लोगों को समझाएं, सही और गलत के बारे में अंतर बताएं, उन्हें बताएं कौन सा मीडिया क्या है, किस प्रकार के पत्रकार की कैसी सोच है। पहले आप खुद अपने शिक्षित होइए, अपने आप को सही मायने में बुद्धिजीवी बनाइए, बुद्धूजीवी मत बनिए, सही मायने में बुद्धिजीवी बनिए, एनलाइटन होइए। और जब आप एनलाइटन होंगे तो आप दूसरों को भी एनलाइटन करेंगे। वो कैसे करेंगे? नॉलेज, अपने ग्रंथों को पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, साथ ही साथ जो प्रेजेंट डे, जो आज की जो वर्तमान स्थिति के अंदर जो जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लव जिहाद आदि, जो जाने कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं, आतंकवाद, अल तकिया क्या है, इन सब चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को समझिए और अपने परिवार को शिक्षित कीजिए। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये यदि हर व्यक्ति, हर घर में यदि एक व्यक्ति ये निर्णय ले ले कि वो सही मायने में शिक्षित होगा। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी स्कूल चले गया, पढ़ के आ गया, बैरिस्टर साहब बन गए। नहीं, बैरिस्टर तो उधर हो हैदराबाद में भी बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। सही मायने में सनातन धर्म के विषय में शिक्षित हुई है। पश्चिमी जो एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन, उसे लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जो आपकी कल्चरल एजुकेशन है, आपके देश से संबंधित जो चीज़ें, उन्हें जानिए। जब तक उन्हें जानेंगे नहीं, तो आप इस समाज के, इस कल्चर के लिए आप कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप समझिए कि आपके आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो भी इस प्रकार की समस्याओं का कभी ना कभी शिकार बन सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले शिक्षा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।